दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस ने जबरदस्त रिजल्ट पेश किए और इस दम पे ये कंपनी आगे भी जबरदस्त रैली कर सकती है। अभी तो शेयर गिर रहे हैं क्योंकि मार्केट में अभी बहुत वोलेटिलिटी है, इन्फ्लेशन रेट, और आज फिर यूएस में इनके इन्फ्लेशन के रेट आने वाले हैं, तो इसकी वजह से अभी थोड़ा सा उनकी फ्यूचर्स पॉजिटिव है और आज के दिन हमारा मार्केट गिर चुका है। और अभी देखिए, इन्फोसिस ने अपने Q2 रिजल्ट पेश किया अभी और प्रॉफिट में जबरदस्त जंप है, 11% की जंप है अभी प्रॉफिट में, और कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं, मार्केट के एस्टिमेट को बीट किया है, वो भी देखेंगे। और कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है, 16.5 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है कंपनी ने, और अभी ये इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी अभी Q2 के रिजल्ट पेश किए, Q2 में ही कंपनी ने डिविडेंड दिया है, इस वजह से इंटरिम डिविडेंड है। अगर साल के बाद में देती तो फाइनल डिविडेंड होता, तो ऐसे डिविडेंड के अलग अलग नाम है। अभी इंटरिम डिविडेंड दिया है Q2 में, अभी Q3 बाकी है, Q4 बाकी है, तो अभी कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस किया है, वो भी आगे हम देखेंगे। और अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोस्तों, कंपनी ने अभी आज के दिन अपने रिजल्ट पेश किए, 23.4% की जंप है ईयर ऑन ईयर, और कंपनी ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दिखाया है। कंसोलिडेटेड का मतलब है इनकी जो भी सब्सिडरीज वगैरह है उन सभी का मिला के अभी इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है, 36,538 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, तो जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने। और नेट प्रॉफिट में देखोगे तो 11% की जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 6,021 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने। ईटी इकोनॉमिक टाइम्स एक बहुत बड़ी ये न्यूज है दोस्तों, न्यूज चैनल है ये, और ये बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन वगैरह कंडक्ट करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं। इन्होंने एस्टिमेट दिए थे मार्केट को कि अभी इनका 36,520 करोड़ का रेवेन्यू आएगा और 5,860 करोड़ का प्रॉफिट होगा कंपनी को। इन्होंने पहले ही एस्टिमेट दिया था रिजल्ट के पहले, और अभी देखिए इन्फोसिस ने ये दोनों एस्टिमेट इनके बीट कर दिए और इससे बेहतर रिजल्ट ही पेश किए कंपनी ने। अभी देखिए, इन्होंने एस्टिमेट दिया था 36,520 करोड़ का और अभी इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है 36,538 करोड़ का, तो थोड़ा सा कम ज्यादा ही है, कम नहीं है, तो इसने अभी मार्केट के एस्टिमेट को बीट किया है। और प्रॉफिट भी देखिए, 5,860 करोड़ का इन्होंने एस्टिमेट दिया था प्रॉफिट और 6,021 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है कंपनी ने, तो दोनों इनके जो भी एस्टिमेट थे वो बीट कर दिए। और ये बहुत बड़ी न्यूज चैनल है और न्यूज चलाते हैं और इनकी एनालिसिस भी अलग लेवल की रहती है, तो कंपनी ने आप ओवरऑल देखोगे तो अच्छे रिजल्ट पेश किए। और देखिए, अभी बोर्ड अप्रूव्स बायबैक, तो इन्होंने बायबैक लाया है दोस्तों, 9,300 करोड़ का बायबैक अभी ये ला रहे, 9,300 करोड़ बायबैक, तो बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों ये। और अभी देखिए बायबैक कितने प्राइस पे ला रहे, 1,850 रुपीज, तो अच्छे खासा आपको प्राइस मिल रहा है, अभी आप बायबैक में दे सकते हो अपने शेयर्स अच्छा। और इन्होंने डिविडेंड भी दे दिया है, तो आप डिविडेंड भी मिलेगा फिर बायबैक में, अगर आपको ये हो गया तो अच्छा खासा आपका फायदा हो जाएगा अभी मुनाफा। मगर ये शेयर लॉन्ग टर्म शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए इसको। और देखिए प्राइस देखोगे तो अभी ये शेयर 1,422 रुपीज पे चल रहा है, और पिछले 6 महीने में देखोगे तो कंपनी 12% डाउन चल रही है, अभी भी करेक्शन में चल रही है स्टॉक। और 5 सालों में देखोगे तो कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को, अब देखिए 5 साल में इतने गिरावट के बाद भी 200% के रिटर्न बचे हैं अभी भी। ये कंपनी ब्लू चिप स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है, अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए और क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए इस गिरावट में, ना कि आप बेच के निकल जाए। बायबैक में दे सकते हो अभी आप इसको, क्योंकि आपको अभी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप दे सकते हो। एक देखिए, ये कंपनी 2,000 रुपीज तक जा चुकी थी, 1,800 रुपीज को इसने क्रॉस कर दिया था और वहां से थोड़ी सी गिरावट हो रही है, अच्छा खासा करेक्शन में मिल रहा है, और भी करेक्शन हो सकता है क्योंकि अभी बहुत सारी न्यूज चल रही है मार्केट में, बहुत बड़े बड़े एनालिसिस बोल रहे हैं कि अभी दुनिया पूरी मंदी में जाने वाली है। अगर ऐसा हो भी गया तो मंदी कुछ 10-20 सालों के लिए नहीं होगी, 7-8 महीने, 1 साल, ज्यादा से ज्यादा इतना मंदी चलेगी, ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि अभी आप देखिए अभी थोड़ा सा यूएस यूरोप में वगैरह, ब्रिटेन यूरोप में इनके इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहे, तो इन ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, तो 1-2 बार और इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, अपना इन्फ्लेशन रेट जरूर कंट्रोल में लाएंगे वो लोग, उसके लिए उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 साल का टाइम पीरियड आप पकड़ लीजिए। आप उस 1 साल में आप मार्केट तो भागेगा नहीं, तो आप SIP टाइप इन्वेस्टमेंट करके शेयर एक्यूमुलेट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो में एड करते रहिए, आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म में जरूर वेल्थ क्रिएट करके मिलेगी ऐसे शेयर से। और मैक्सिमम देखिए, कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न दिए, 12,169% की रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए इसने लॉन्ग टर्म में, तो मल्टीबैगर स्टॉक है, आप इसके बारे में जरूर सोचिए और इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। और देखिए, इन्होंने मार्केट के एस्टिमेट को बीट कर दिया है और हर क्वार्टर में ये कंपनी अपने मार्केट एस्टिमेट को बीट करती है, तो जबरदस्त कंपनी, इसे अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।